दूर हो गए गिले शिकवे, मिल गए दिल। अब नायरा के ससुराल में हंसी खुशी सेलिब्रेट की जाएगी दिवाली। लेकिन उससे पहले एक विकट समस्या आ खड़ी हुई है, जिसकी वजह से दादी बेहद परेशान है। भगवान, अरे हम तो भूल ही गए, आज ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पे है, पर पीसी और मनोज है ना, वो करेंगे। अरे नहीं, उनका तो सुबह फोन आया था, एक के घर में कोई बीमार है और दूसरा खुद बीमार है। गॉड, अब ये साफ सफाई कौन करेगा, और दिवाली का ये डेकोरेशन और खाना, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। वैसे भी गोयनकास के पास हर समस्या का समाधान है। दादी की परेशानी का हल समर्थ निकालते हैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कब तुम्हारा नहीं है। हाँ समर्थ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी। हम ऑफिस से हाउस क्लीनिंग वाले को बुला देते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है चाचू, हम करेंगे ना। मैंने तो पहले भी बहुत बार किया, केपटाउन में जब हेल्प नहीं मिलती थी तो मैं और मम्मा खुद ही करते थे, और ऋषिकेश में भी हम अपना आश्रम खुद ही साफ करते थे, बहुत मजा आता था। और फिर शुरू होती है दिवाली की मस्ती भरी सफाई, जहां मस्ती भी हो रही है, रोमांस भी चल रहा है, और साथ ही साथ घर को चमकाया भी जा रहा है। इस नज़ारे को देख कहना ही पड़ेगा कि गोयनका हाउस में ऐसा नज़ारा इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। क्यों नायरा, सही कहा ना हमने, सब कुछ ठीक हो गया है, सब अच्छा हो गया है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी सब क्लियर हो चुकी हैं, सभी ने सब रिश्तों को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है, और पूरा परिवार अब साथ में है। दिवाली का त्यौहार है तो बस साफ सफाई चल रही है, सब खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यू सी गोयनका इन दैट क्यूट जोन, फर्स्ट टाइम आप गोयनका परिवार जो हमेशा एकदम सूट बूट में हमेशा रहते हैं, वो पहली बार आप घर की सफाई करते हुए देखेंगे, और उस बीच ऑब्वियसली एक क्यूट सी नोकझोंक भी चल रही है, और उस नोकझोंक में ऐसा है कि दोनों कुछ भूल गए, दोनों को पता नहीं कि क्या देना है, कार्तिक को नायरा को या नायरा को कार्तिक को, तो वो है। भाई घर की साफ सफाई के साथ साथ नायरा और कार्तिक को एक और चिंता सता रही है, एक दूजे को तोहफा देने की चिंता। एक तरफ नायरा अलग अलग गिफ्ट्स में से कार्तिक के लिए बेस्ट गिफ्ट तलाश रही है, तो दूसरी तरफ कार्तिक को नायरा के लिए कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दिवाली की तैयारियों के बीच में ये गिफ्ट देने वाला टॉपिक आया कहाँ से? कार्तिक नायरा, आप ही हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हर फंक्शन पे, फेस्टिवल पे एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, और दो साल बाद अब दोनों साथ में हैं, और पहला फेस्टिवल है उनका, तो उनको उनका प्रॉमिस याद आता है, लेकिन वो भी एंड मोमेंट पे, तो अभी उन्होंने एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट नहीं ली है, तो अभी वो इसी टेंशन में है कि अभी गिफ्ट नहीं लिया, अब क्या होगा, गिफ्ट तो देनी है, अगर नहीं दी तो नायरा ये सोचते हैं कि कार्तिक नाराज हो जाएगा, कार्तिक ये सोचता है कि नायरा नाराज हो जाएगी, तो वही दोनों इमेजिन करें कि अगर नहीं दी तो कार्तिक का रिएक्शन ये होगा, नायरा का रिएक्शन ये होगा, तो बस दोनों गिफ्ट की खोज में लगे हुए हैं। वैसे नायरा, हमने सुना है कि आप दोनों के रोमांस के बीच कुछ लेटर्स दीवार बन जाएंगे, किसके हैं वो लेटर्स? नायरा को कुछ लेटर्स मिलते हैं किसी ने लिखे हुए किसी को, टुके और टुके, हाँ, और नायरा नाराज हो जाती है, थोड़ा अपसेट हो जाती है कि अरे मैं कौन लड़की थी, मतलब उसको ऐसा जेलस थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि अरे कौन है जिसने जो मेरी जगह लेना चाहती थी कार्तिक के लाइफ में, कौन है, कौन लवर थी या क्या थी, क्योंकि स्पेसिफिकली वो डेढ़ साल की बात करती है, करते हैं जो जिस ये डेढ़ साल और दो साल कार्तिक नायरा अलग रहे, दो साल कार्तिक नायरा अलग रहे, तो उस दौरान का वो वक्त हो सकता, तो नायरा का पहली बार आप वो शक जोन, और काफी सीरियस वे में वो क्यूट से थोड़े सीरियस होते होते वो शक जोन जाता हुआ दिखेगा। वेल, उन तोहफों में क्या है और उन लेटर्स में क्या लिखा है ये तो अभी कार्तिक और नायरा को भी नहीं पता, लेकिन हमें तो ये डर है कि...